हाय वेलकम बैक. आप देख रहे हैं वन ऑफ माय फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल. और चलिए अब दर्शकों के सवालों की ओर हम रुख करते हैं. लेकिन उससे पहले एक बार फिर से, क्योंकि बहुत सारे दर्शक व्हाट्सएप नंबर हमसे पूछते रहते हैं, तो एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर फ्लैश करेंगे जहां पर आप अपने सवाल जो है हम तक पहुंचा सकते हैं. 9619873567 इस नंबर पर अपने सवाल हमें भेजिए. और अगर आप चाहें तो आप अपने सवालों को यूट्यूब के जरिए भी पूछ सकते हैं. यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए ताकि हम आपके सवालों को शो में शामिल करें. आप लाइव भी देख सकते हैं और पुराने शोज भी देख सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शक पंचम का सवाल हम लेंगे जो कि यूट्यूब से अपना सवाल पूछ रहे हैं. और मुकेश मेरे ख्याल से अच्छा हमारे आज के जो मेहमान हैं उनसे तो आपका तारुफ नहीं कराया. हमारे साथ हेमंत उस्तगी सीईओ वाइस इन्वेस्ट और मुकेश जिंदल सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल जुड़ गए हैं. आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में. और चलिए शुरुआत करते हैं. पंचम का सवाल मैं लूंगी. मुकेश आपके पास है ये सवाल. 5 लाख रुपए इनको एकमुश्त निवेश करने हैं और ये कह रहे हैं 14 साल के लिए निवेश करने हैं और 14 साल के बाद इनको चाहिए 1 करोड़ रुपए और हर महीने ये SIP के जरिए निवेश कर सकते हैं. मुकेश और जानना चाहते हैं कि इस कॉर्पस के लिए ये कितना हर महीना जो है पैसा लगाएं म्यूचुअल फंड्स में ताकि 1 करोड़ रुपए 14 साल के बाद इन्हें मिल सके. किस तरह के फंड्स का चुनाव इनको करना चाहिए. अच्छा इसके अलावा एकमुश्त 5 लाख भी है इनके पास जो इनको डालने हैं म्यूचुअल फंड्स में. ये भी इनका सवाल है कि कैसे रिटायरमेंट के लिहाज से कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं अपनी. बताइए क्या क्या रणनीति हो इनकी. सबसे पहले करोड़पति क्या 14 साल में ये बन सकते हैं तो कितना निवेश करना होगा. थैंक यू कविता. पहली बात तो मैं पंचम जी को बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड के थ्रू जो ये रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं करोड़पति बनने के लिए, ये डेफिनेटली पॉसिबल है. और अगर ये इन्वेस्ट करेंगे तो हम डेफिनेटली इंश्योर करेंगे कि ये 14 साल में करोड़पति बन जाए. अब अगर इनकी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, ये जो करना चाह रहे हैं, इन्होंने बोला 1 करोड़ रुपए चाहिए और ये आज की तारीख में 5 लाख इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं. अगर मैं बात करूं टाइम होराइजन की तो टाइम होराइजन 14 साल एक लंबा टाइम होता है और मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा ये इक्विटी फंड्स में करें. इक्विटी फंड्स नॉर्मली शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल रहता है बट लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड्स का रिस्क काफी कम हो जाता है. तो 14 साल का टाइम होराइजन है तो ये इक्विटी फंड में करेंगे तो बढ़िया रिटर्न आएगा. मेरे को ये भी लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया एक ग्रोइंग स्टोरी है तो 14% का रिटर्न यहां से निकलना चाहिए. तो अगर ये 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो 14 साल में कंपाउंड होके लगभग 31 लाख बन जाता है. तो ये कॉर्पस से जो 1 करोड़ है उससे डेफिनेटली कम है. थोड़ा शॉर्टफॉल रहेगा तो उनके लिए इन्हें SIP करनी पड़ेगी और पंचम जी SIP के लिए भी कंफर्टेबल है. SIP बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि गोल लंबा है, 14 साल का गोल है. अगर ये महीने की 12,500 की SIP करते हैं तो ये पूरा मिला के 1 करोड़ का इनका गोल पूरा हो जाएगा. तो अब इन्होंने पूछा दूसरे पार्ट में कि SIP कहाँ करें और लमसम कहाँ डालें, तो इनको मैं 4 फंड रिकमेंड करना चाहूंगा. एक तो लार्ज कैप के लिए मैं इनको UTI निफ्टी इंडेक्स फंड रिकमेंड करूंगा. एक लार्ज एंड मिड मैंने इनके लिए सेलेक्ट किया है HDFC लार्ज एंड मिड कैप. एक मिड कैप के लिए निपॉन ग्रोथ फंड और स्मॉल कैप के लिए फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड. तो मैंने कोशिश की है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो लार्ज मिड और स्मॉल में. लॉन्ग टर्म में स्मॉल बढ़िया रिटर्न देते हैं, मिड भी बढ़िया रिटर्न देता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है. और इन्हीं फंड में ये लमसम भी डाल सकते हैं. 5 लाख जो है लमसम डालेंगे बट क्योंकि मार्केट महंगा है इस समय तो एक बार में मैं इन्हें डालने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा. मैं रिकमेंड करूंगा ये STP करें या सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान करें. पहले ये पैसा डेट फंड में डालेंगे और वहां से इंस्ट्रक्शन देंगे कि 10 महीने में ये इक्विटी फंड्स में फंड हाउस धीरे धीरे मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे. तो इससे इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाएगा, मार्केट टाइमिंग रिस्क कम हो जाएगा. तो मेरे ख्याल से अगर ये फंड्स में सेलेक्ट करें, लॉन्ग टर्म होल्ड करें और SIP करेंगे तो डेफिनेटली 1 करोड़पति बनेंगे. सर फोन लाइन पर नहीं है पर 5 लाख कितने चरणों में इनको डालने चाहिए और कैसे STP के जरिए डालने चाहिए, ये क्या इसके पीछे प्रोसेस क्या होगा. प्रोसेस ये होगा कविता, ये इनफैक्ट आपने अच्छा सवाल पूछा क्योंकि कई लोग STP को लेके कंफ्यूज रहते हैं. तो मान के चलिए मैं UTI निफ्टी इंडेक्स फंड का एग्जांपल लेता हूँ. अगर इनको UTI निफ्टी इंडेक्स फंड में 2 लाख करने हैं
तो ये यूटीआई का डेट फंड सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मनी मार्केट, यूटीआई मनी मार्केट फंड कर लेंगे तो 2 लाख उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और उसमें ऑप्शन एक होता है एसटीपी करने का, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान फ्रॉम डेट टू इक्विटी, तो यूटीआई मनी मार्केट से इक्विटी में करेंगे। नॉर्मली मेरा इनको सुझाव होगा कि 10 महीने में डिप्लॉय कर सकते हैं, तो एवरी मंथ ये ऑटोमेटिक पैसा 10 महीने में डिप्लॉय हो जाएगा, और जब तक पैसा डेट फंड में पार्क रहेगा हमें डेट की यील्ड मिलती रहेगी, इंटरेस्ट रेट मिलते रहेंगे, लगभग 7% का रिटर्न वहां भी आना चाहिए। और ये इसे वॉच भी कर सकते हैं, मान लीजिए कल को मार्केट गिर जाती है तो लमसम स्विच भी कर सकते हैं मार्केट में, तो काफी फ्लेक्सिबल रहता है, और ये इन्वेस्टर्स के जिनके पास लमसम पैसा आता है उनको ये एसटीपी का फायदा डेफिनेटली उठाना चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले यूट्यूब के सवाल की ओर बढ़ते हैं। हेमंत जी, शायद आपके लिए है ये सवाल, पंकज कुमार का, और ये टोटल एसआईपी कर रहे हैं लगभग 14,000 की, स्टेप अप करना चाहते हैं 20%, 15 साल का इनका टारगेट है बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, 1.5 करोड़ रुपए इनको इकट्ठा करने हैं। कौन टैक्स प्लान है इनके पास? मेरा एसेट का टैक्स प्लान है, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिड कैप है इनके पास, एचडीएफसी मिड कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, कौन का स्मॉल कैप है, और यही इनका सवाल है कि 1.5 करोड़ रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए जो इनको इकट्ठा करने हैं 15 साल में, फिलहाल क्या 14,000 की एसआईपी और इस तरह के फंड से क्या इकट्ठा हो सकते हैं? कविता जैसा उन्होंने कहा कि जो एसआईपी अमाउंट है 14,000 है, उनका टाइम होराइजन देखें, और अगर हम ये भी कंसिडर करें कि उन्होंने कहा कि वो स्टेप अप एसआईपी करेंगे करीब 20% से, तो मुझे लगता है अपने टारगेट तक आराम से पहुंच पाएंगे। अगर 15% का भी अगर वो स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो करीब 1.7 करोड़ का टारगेट होगा। ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट चीज होगी कि वो अपने टाइम हराइजन से कमिटेड रहे, और इन्होंने जो कमिटमेंट की है कि वो स्टेप अप एसआईपी करेंगे हर साल, अगर वो उसको कंटिन्यू करते रहे तो जहां तक टारगेट पूरा करने का सवाल है मुझे लगता है नहीं उनके पास प्रॉब्लम होगी। उनके अगर पोर्टफोलियो को देखें तो उनके पास 2 स्मॉल कैप फंड है, मुझे लगता है एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करीब करीब 30% एलोकेशन जो है वो स्मॉल कैप में है, तो उसमें थोड़ा सा कम करने का डेफिनेटली स्कोप है इनके पास। दोनों जो स्मॉल कैप फंड है उनमें से एक फंड को रखें, वहां पे 2000 की जगह 3000 रुपए इन्वेस्ट कर दें, तो एटलीस्ट 1000 जो है वो एलोकेशन जो है स्मॉल कैप में कम होगी। और वो जो इनके पास एक लार्जर मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कैप, वहां पे उसको एलोकेट कर सकते हैं। टैक्स में इनके पास 2 टैक्स प्लान है, मुझे लगता है अगर इनको दोनों में कंटिन्यू करना है तो फिर जो बंधन टैक्स एडवांटेज है वो मेरा ही एसेट टैक्स प्लान से मुझे लगता है एक बेटर ऑप्शन रहेगी लॉन्ग टर्म में, तो जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है उसके लिए वो डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि एलएसएस में 3 साल का लॉक इन है, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में तो आपको वो लॉक इन पूरा कंप्लीट करना ही है, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता है एक चेंज करेंगे तो बेहतर होगा। तो एलोकेशन थोड़ा सा स्मॉल कैप में कम करके आप लार्ज इंडेक्स में बढ़ाइए, और स्टेप अप एसआईपी के द्वारा डेफिनेटली अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। अपने निवेश राशि को आपको बढ़ाना है और थोड़ा सा अपना एलोकेशन में बदलाव करना है, लेकिन क्योंकि हमारे दर्शक लगातार एसआईपी में निवेश को लेकर बहुत सारे सवाल पूछते आए हैं, तो आज मुकेश और हेमंत जी हमने कुछ कॉमन सवालों में से एक टॉपिक निकाला है, और क्योंकि आप दोनों ने भी अपने अपने जवाब में हमें कहा है कि एसआईपी की राशि बढ़ाना बहुत जरूरी है, अपनी एसआईपी को स्टेप अप करना बहुत जरूरी है, तो स्टेप अप एसआईपी जो होती है वो क्या होती है, इसकी सही स्ट्रैटेजी कैसी होती है, बहुत दर्शक पूछते हैं कि 10% बढ़ाना चाहिए, 20% करना चाहिए या 30% करना चाहिए, क्या कोई इसको लेकर फॉर्मूला है? तो मुकेश सबसे पहले तो ये बताइए कि स्टेप अप एसआईपी होती क्या है, अगर कोई अपनी एसआईपी की राशि को नहीं बढ़ाता है तो किस तरह से कमाई का मौका गवा देता है, जरा ये उदाहरण के जरिए समझा कर बताइए। हाँ श्योर कविता, देखिए स्टेप अप एसआईपी की बात करें, अगर एसआईपी जो है पैसे को कंपाउंड करता है, स्टेप अप एसआईपी ऐसा है वो आपके कंपाउंडिंग में डबल कंपाउंडिंग शुरू कर देता है, वो डबल कंपाउंडिंग इंजन है। नाउ नॉर्मली क्या होता है, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक सर्वे के हिसाब से नॉर्मली इंडिया में देखा गया कि सैलरी जो है लगभग 10% हर साल बढ़ रही होती है, लोगों की इनकम नॉर्मली 10% बढ़ रही होती है। अब आप एसआईपी मान के चलिए 1000 रुपए की कर रहे हैं, अब एक तरीका तो क्या है कि आप वेट करिए कि आपके पास सेविंग्स होंगी, आप 1-2 साल 3 साल में या 4 साल बाद आप नॉर्मली एसआईपी बढ़ाते हो या नहीं भी बढ़ाते हो, और पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है, खर्च हो जाता है।
स्टेप अप एसआईपी में होता ये है कि आप हर साल अपना जो एसआईपी अमाउंट है एक परसेंटेज से बढ़ा देते हैं। नॉर्मली इन्वेस्टर वो 10%, 20%, 15% या 5% के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे उनको लगता है कि उनकी इनकम बढ़ रही है। तब एसआईपी जो आप नॉर्मली कर रहे हैं स्टेप अप में, ऑफकोर्स धीरे धीरे ज्यादा इन्वेस्ट होने लगता है, पर इसका मजा आपको कब समझ में आएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, हर इन्वेस्टर की इच्छा होती है वो एक करोड़पति बने। तो हम कैलकुलेशन कर रहे थे कि अगर इन्वेस्टर महीने के 4,000 रुपए इन्वेस्ट करे 25 साल के लिए इक्विटी फंड में, और वहां पे अगर 14% की कंपाउंडिंग रिटर्न में मानू, तो ये कॉर्पस 1 करोड़ का बन जाता है। तो कोई भी आज के दिन करोड़पति बन सकता है, और मेरे ख्याल से एसआईपी की अवेयरनेस काफी है, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है। अब अगर मैं इसमें स्टेप अप एसआईपी की बात करूं, अगर इन्वेस्टर अपनी एसआईपी हर साल 10% से बढ़ा लेता है, तो जो 25 साल के बाद कॉर्पस होगा वो 1 करोड़ नहीं 2.25 करोड़ होगा। और अगर इन्वेस्टर उसको 20% स्टेप अप एसआईपी करता है हर साल, तो कॉर्पस 2.25 करोड़ हो जाता है। और अगर इन्वेस्टर काफी एग्रेसिव ग्रोथ में है, डिसिप्लिन ला सकता है, 30% की भी स्टेप अप एसआईपी कर सकता है, तो 25 साल बाद वो कॉर्पस 23 करोड़ का हो जाता है। तो 1 करोड़ से 2.25 से 2.5 से 23 करोड़, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बस स्टेप अप एसआईपी करते रहिए और अपनी वेल्थ को ग्रो करते हुए देख सकते हैं। अच्छा, ऐसे में एक सवाल हेमंत जी, ये भी हमसे लोग पूछते हैं कि चलिए आपको अपनी एसआईपी की राशि बढ़ानी चाहिए, लेकिन कितनी आपको राशि बढ़ानी चाहिए? हम कहते हैं कि जितना आपसे मुमकिन हो सके फिलहाल अपनी एसआईपी की राशि बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई कैलकुलेशन होती होगी जो आपको ये कहती होगी कि आपको इतने परसेंट अपनी एसआईपी बढ़ानी ही बढ़ानी है। इसी से मिलता जुलता सवाल एक ये लोग पूछते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड के जरिए ही आप अपने रिटायरमेंट का सपना पूरा कर सकते हैं? खैर, ये एक दूसरा सवाल है, लेकिन मैं उसी पर आती हूँ कि आपकी एसआईपी स्टेप अप जब आप करते हैं तो कितने परसेंट आपको करनी चाहिए, आइडियल अमाउंट क्या होता है अपनी एसआईपी को स्टेप अप करने का, और वो सही अमाउंट आपके कॉर्पस से कैसे डिराइव होता है? बहुत इंपॉर्टेंट इनफैक्ट दोनों इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। एक तो ये, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया कि किस तरीके से आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं और उसके करने के फायदे क्या है। अब वो कितना करना चाहिए, देखिए उसमें दो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने जो प्रोसेस फॉलो करते हैं इन्वेस्टमेंट का, वो कहीं ना कहीं वो गोल बेस्ड प्रोसेस होना चाहिए, यानी आपके पास एक हर गोल का एक टाइम होराइजन होना चाहिए, गोल का टारगेट होना चाहिए। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स, जैसे रिटायरमेंट की आपने बात की या चिल्ड्रन एजुकेशन की अपने बात करें, तो वहां पे इन्फ्लेशन को कंसीडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब होता क्या है कि आपने जब गोल बनाया, फिर आप यू वर्क बैकवर्ड देखने के लिए कि मान लीजिए हम इक्विटी में अगर हम 12% का रिटर्न लेके चलते हैं, तो हमें पता चलता है कि अपने गोल तक लक्ष्य पहुंचने के लिए जितना हमारा टाइम होराइजन है उसके लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो ये शुरुआत होती है आपके प्रोसेस की। फिर आप अपने बजट को देखते हैं, आप देखते हैं कि कितने आपके लिए पॉसिबल है, कितनी एसआईपी आप कर सकते हैं। तो देखिए, दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो ये कि आपको लगे कि अभी गैप है उसके अंदर, यानी जितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उतना आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको पूरा करने का तरीका यह है, क्योंकि हो सकता है आपकी कुछ और कमिटमेंट रही हो, तो उसको पूरा करने का तरीका एसआईपी है। अब वो कितना करें डिपेंड करेगा आपके पास समय कितना है, आप कितना जल्दी उस प्रोसेस को कंप्लीट करके अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं। तो इसको दोनों तरीके से देख रहे हैं, राइट। अगर जैसे हम स्टेप अप एसआईपी करें, मान लीजिए हम 10,000 रुपए की अगर एसआईपी करते हैं, राइट, 20 साल तक 12% के रिटर्न के हिसाब से, तो आप 1 करोड़ तक पहुंचते हैं, राइट। अगर आप 10,000 की एसआईपी करके 10% के हिसाब से 30% के हिसाब से बढ़ाते हैं जैसा आपने पहले कहा, तो हम 11 साल में 1 करोड़ तक पहुंच पाएंगे। तो आपने अपनी स्टेप अप एसआईपी 30% करके अपने जो टाइम होराइजन को 9 साल कम कर दिया। तो एक तरीका तो ये होता है कि आपको लगे कि हम शुरुआत में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बाद में हम इसको मेकअप कर सकते हैं क्योंकि हमारी दूसरी कमिटमेंट जो है पूरी हो जाएगी, और क्योंकि समय उतना लंबा नहीं रहेगा जितना पहले था। तो एक वो तरीका है। दूसरा एक सिंपल तरीका ये है, आप जैसे हमने 10,000 की बात की, आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 1 करोड़ बनाते हैं, 10% से बढ़ाएंगे इसको तो आपको 2 करोड़ का कॉर्पस हो गया। तो आप डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट किस तरीके की है, लेकिन ये प्रूवन है कि स्टेप अप एसआईपी के बहुत सारे फायदे हैं। रिक्वायरमेंट कितनी होगी वो क्लियरली डिपेंड करेगा, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा एक और यहाँ पे कि
आपके जो डिसिप्लिन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, तो दो हिस्से हैं इसके। एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, उससे पहला आपके सेविंग प्रोसेस, यानी आप सेव करेंगे तभी आप इन्वेस्ट करेंगे। सेव करने जब आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो आप कमिट करते हैं कि आपकी इनकम का कुछ परसेंटेज, डिपेंडिंग ऑन आपकी रिक्वायरमेंट से, वो 10% भी हो सकता है, वो 20% भी हो सकता है, वो 30% भी हो सकता है, वो आप कमिट कर रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आप उतना हिस्सा जो है अपने इन्वेस्टमेंट में लाएंगे। तो मुझे लगता है काफी सारे फायदे हैं। आप जैसे रिटायरमेंट की आपने बात की, मुझे लगता है सबसे बड़ा एडवांटेज इन्वेस्टिंग का ये है कि कोई भी आपका गोल हो, कोई भी आपका रिस्क प्रोफाइल हो, कोई भी टाइम होराइजन हो, म्यूचुअल फंड में वहां पे ऑप्शन है। रिटायरमेंट जैसा हम जानते हैं एक लॉन्ग टर्म गोल है, उसमें टैक्स एफिशिएंट रिटर्न चाहिए आपको, राइट, और कमिटमेंट चाहिए कि आप ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें जहां पे आप बाकी एसेट क्लासेस से अच्छा रिटर्न दे सको। आप वहां पे गोल बेस्ड स्पेसिफिक फंड्स भी होते हैं, बट उससे ज्यादा बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास वेल डाइवर्सिफाइड फंड की, आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट कीजिए, सही एसेट एलोकेशन चुनिए। मुझे लगता है कि आपके रिटायरमेंट गोल के लिए म्यूचुअल फंड एक काफी इफेक्टिव मीडियम हो सकता है। इनफैक्ट रिटायरमेंट होने के बाद आपको रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए भी जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है वो भी म्यूचुअल फंड से आपको मिलता है। तो मुझे लगता है किसी भी निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, स्पेशली जब हम लॉन्ग टर्म गोल जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग है, तो वहां पे इंटीग्रल पार्ट म्यूचुअल फंड होना ही चाहिए। आप दोनों ने बताया कि कैसे आपको एसआईपी का इस्तेमाल करना चाहिए अपने एसआईपी की राशि को बढ़ाने का, और यही वो मकसद है जो आपको कोशिश कर पा लेना चाहिए, क्योंकि आप महज इतना कर दें तो आपका जो लक्ष्य है, जिसको आपने अपने जहन में बैठा के रखा है, जो आपका टारगेट है, वो पूरा होने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी अगर आप अपनी निवेश राशि को लगातार नियम पूर्वक और अनुशासन के साथ अगर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार पवार साहब हमारे साथ फोन लाइन पर है, हमारे दर्शक जो कि अपना सवाल हमसे पूछेंगे, और साथ ही निवेश से जुड़े और भी पहलू हैं जिन पर हमें बात करनी है। और ब्रेक पर जाऊं, जब जाते आपको छोड़ जा रही हूं हमारे एक व्हाट्सएप नंबर के साथ, और यूट्यूब पर तो आप लाइव हमें देखते हैं, अपने सवाल यूट्यूब पर भी हमें भेजिए। मिलती हूं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और शो का वो हिस्सा, वो पड़ाव जहां पर हम दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करते हैं, और हमारे साथ अगले दर्शक पवार साहब फोन लाइन पर हैं। पवार साहब नमस्कार सर, कहां से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, कुछ बताएं अपने बारे में। मैडम मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूं। अच्छा सर, कोल्हापुर, मैं एक कोऑपरेटिव बैंक में प्यून का काम करता हूं। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा और हम पर विश्वास किया ताकि हम आपको सही राह दिखा सकें। सर आपने हमें फंड के सारे नाम तो दे दिए हैं, मैं जानना चाहती हूँ आप कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कब तक करना चाहते हैं। मैं कोई आपका ईटीटीवी है ना, वो देख के मैं करता हूँ, मैं आपका शो है ना, वो देख के इन्वेस्टमेंट किया है, बाकी मैं मुझे कुछ समझ में आता नहीं, और कुछ ये भी नहीं था जो आपके जो वो कहते हैं ना, वो आपके गेस्ट जो आते हैं, वो जो बोलते हैं ना एक्सपर्ट जो आपके आते हैं ना, वो आते वो बोलते हैं ना, उनके सुनकर ही मैंने यूज किया है सर। तो आप में भी आपसे जुड़ा हूँ, और आपसे जुड़ने के बाद ही मेरा ये कॉल शुरू हुआ है। चलिए बहुत अच्छा लगा, मेरे पास शब्द नहीं है इस खुशी को बयां करने के लिए कि आपने जो भरोसा हम पर जताया है और इतना विश्वास हम पर रखा, और हमारे जरिए हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए आपकी जिंदगी का हिस्सा बन पाए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। फंड्स के नाम मैं दोहरा देती हूँ, और मुझे फिर भी जानना होगा कि आप इसमें कितने सालों तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पाँच साल बाकी है रिटायरमेंट के लिए। अच्छा तो पवार जी अभी एक दो साल से ही शुरू किया है क्या एस आई पी? हाँ एक दो साल के, मैं बताता हूँ आपका शो देख देख के मैं उधर उसमें आ गया था, मैं सुनता था। अच्छा लेकिन भरोसा नहीं था, लेकिन आपके और आपके जो स्टॉक और दूसरे जो आपके हमेशा जो दो आए रहे बोलते हैं ना, उनका मैं नाम अभी मैं याद नहीं आ रहा है, उनको सुन के मैं मार्केट में आया है।
जी नहीं, हमारे पूरे हमारे सभी शोज के सभी पैनल्स पर बहुत ही उम्दा एक्सपर्ट्स बैठते हैं और उन सबकी तारीफ करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे बस एक और चीज जाननी है, क्योंकि आपने रिटायरमेंट के लिए ये पैसे जमा करने हैं, तो कुछ आपके अमाउंट है जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं कि अभी 5 साल के बाद मेरे हाथ में इतना पैसा आना चाहिए इस SIP से, कुछ ऐसा सोचा है आपने? पवार जी, 30 से 40 लाख ना, 30 से 40 लाख। ठीक है। पवार जी, आप मेरे साथ फोन लाइन पर बने रहिए, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं जिनके पास आपका सवाल है, मैं उनके पास जाती हूँ। मुकेश, काफी कुछ डिटेल्स पवार साहब की आपको पता चल गई हैं। 30 से 40 लाख रुपए इन्हें चाहिए, 5 साल के बाद इनकी रिटायरमेंट है, 1 से 2 साल पहले इन्होंने SIP शुरू की है। अब बताइए किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को ये छांटे। देखिए, पवार जी का जो गोल है कविता, 5 साल का है, लंबा टाइम होराइजन है, इन्होंने भी रिसेंटली भी स्टार्ट की है, तो मेरे को लगता है इक्विटी फंड्स इनके लिए सही है अगर इन्वेस्ट करते रहेंगे SIP के थ्रू। एक SIP का एडवांटेज ये भी होता है, मार्केट रिस्क ऑलरेडी कम हो जाता है क्योंकि अब डिफरेंट पॉइंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है इक्विटी इनके लिए बेहतरीन है, इन्हें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए। जनरली इनके फंड अच्छे हैं, बट मेरे को लगता है 9 फंड बहुत ज्यादा है और काफी ओवरलैप है। जैसे मैं अगर ओवरलैप की बात करूं तो इनके पास 3 ICICI के फंड हैं, ICICI डिस्कवरी, मिड कैप, स्मॉल कैप। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, जब कोई एक फंड हाउस अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसकी सारी स्कीम्स अंडर परफॉर्म कर रही होती है, आपको इतनी स्कीम्स की जरूरत नहीं होती है। वैसे इनके पास 3 स्मॉल कैप है, निकॉन स्मॉल कैप, ICICI स्मॉल कैप, पॉन्ड स्मॉल कैप, आपको इतने स्मॉल कैप फंड्स की जरूरत नहीं है, आप 1-2 स्मॉल कैप फंड भी ले लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो इनको मैं थोड़ी रीस्ट्रक्चरिंग सजेस्ट करूंगा। एक इनके पास ICICI स्मॉल कैप फंड है, SIP चल रही है, उसको आप स्टॉप कर दीजिए, और उनको स्टॉप करने के बाद मैं इनको रिकमेंड करूंगा UTI निफ्टी इंडेक्स फंड में करिए। UTI निफ्टी इंडेक्स फंड एक लो कॉस्ट पैसिव इंडेक्स फंड है, स्टेबल रहता है पोर्टफोलियो, और सिंस इनके पास मिड स्मॉल काफी ऑलरेडी है तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं। एक इनके पास कोटक फ्लेक्सी कैप फंड भी है, कोटक का फ्लेक्सी कैप अंडर परफॉर्म कर रहा है, AUM भी बड़ा हो गया है, तो शायद आने वाले टाइम में इतना बढ़िया रिटर्न नहीं निकले, इससे में भी SIP स्टॉप करके ये UTI निफ्टी इंडेक्स फंड में कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनके पास टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो कि एक सेक्टोरल फंड है। सेक्टर फंड बढ़िया रहते हैं अगर वो सेक्टर चलेगा, बट इनमें प्रॉब्लम ये होती है कि रिस्क ज्यादा रहता है, आपको मार्केट टाइमिंग 2 बार करना पड़ता है, एक बार आपको एंट्री में राइट टाइमिंग करना पड़ेगा और एग्जिट भी आपको राइट टाइम करना पड़ेगा। जो पुराने इन्वेस्टर्स है उन्हें याद होगा 2006-08 की रैली हुई थी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने बहुत रिटर्न दिया था, बट अगर किसी ने 2008 में एग्जिट नहीं किया उसको वापस उसी लेवल पे आने के लिए लगभग 10 साल लग गए। तो मेरा इनको सुझाव होगा सेक्टोरल फंड ना करें और कोशिश यही करें कि डाइवर्सिफाइड फंड एग्जिस्टिंग फंड्स में करें। एक और मैंने इनके पोर्टफोलियो में ऑब्जर्वेशन ये देखा कि इनकी जो SIP अमाउंट है, किसी किसी अमाउंट स्कीम में 500-500 रुपए चल रही है, किसी में 12 चल रही है, 16 चल रही है, इवन नहीं है। तो मेरा सुझाव ये होगा स्कीम को कंसोलिडेट करने के बाद आप इसमें सारी स्कीम्स में बराबर कर ले तो पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन कॉम्पोजिशन आपका सही हो जाएगा। तो थोड़े बहुत चेंजेस हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप करते रहिए, वैसे कोई पैनिक की बात नहीं है, ज्यादातर पोर्टफोलियो बेटर है, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा होता है, थोड़े से चेंजेस कर लेंगे तो इन्वेस्टमेंट लाइन में आ जाएगी और आपके गोल भी पूरे हो जाएंगे। अगर मुकेश इनको बढ़ाना हो तो किन फंड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की सलाह देंगे आप? जैसे अगर इनको इन्वेस्टमेंट में बढ़ाने बोलूं, इनके एग्जिस्टिंग फंड्स में ही मैं इनको इंक्रीज करने बोलूंगा। एक तो मैंने इनको UTI निफ्टी इंडेक्स फंड ऐड करने बोला है, ICICI मिड कैप, मिरे मिड कैप, कौन स्मॉल कैप, निकॉन स्मॉल कैप, ये बेहतरीन फंड है, फंड्स का सिलेक्शन इनका अच्छा है, तो जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उन्हीं में कंटिन्यू करें। जो एग्जिस्टिंग में स्टॉप करने के लिए बोला ICICI स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप और टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने स्टॉप करने के लिए बोला है। मुकेश, 30 से 40 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए SIP की राशि कितनी बढ़ानी होगी? मेरे को लगता है कि इनकी जो SIP की राशि है, 5 साल में अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो पूरा हो जाएगा। अगर 14% की मैं रिटर्न मानूं तो मेरे को लगता नहीं इनको बहुत ज्यादा SIP की राशि बढ़ानी पड़ेगी, तो अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली पॉसिबल होगा।
पवार साहब आप अगर फोन लाइन पर मेरे साथ हैं तो अगर आप सलाह नहीं सुन पाए हैं तो यूट्यूब पर सुन सकते हैं, जो फंड्स के नाम शायद नोट डाउन नहीं कर पाए होंगे आप, वो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। उसके अलावा कोई और सवाल पूछना है? हमारे अगले दर्शक भी फोन लाइन पर हैं तो मैं उन पर बढ़ना चाहती हूँ। इक्विटी में क्या करूँ, इक्विटी का जो फंड है ना वो आपके देखिए हाँ? मैं लेता हूँ म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? आप स्टॉक की बात कर रहे हैं? हाँ स्टॉक की बात कर रहा हूँ। स्टॉक जो है आपके चैनल पे आते हैं ना स्टॉक, मेरे ख्याल से आप अगर स्टॉक का ही पोर्टफोलियो आपने रखा हुआ है तो हाँ वो उस पर सलाह ना देके हमने आपके म्यूचुअल फंड पे फिलहाल सलाह दी है। अगर आप स्टॉक्स पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इसी नंबर पर अपने स्टॉक्स के भी सवाल पूछ सकते हैं, और जैसे आपने व्हाट्सएप किया है इसी नंबर पर अपने स्टॉक से जुड़े सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। और अभी जो आपको सलाह दी गई है वो जो है आप यूट्यूब पर जरूर सुनकर अपने फंड में बदलाव कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पवार साहब। हम आगे बढ़ेंगे। ओम प्रकाश जी का मैं सवाल लूंगी जो कि हेमंत जी से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। ये हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं और ये 20,000 की SIP कर रहे हैं, 20 साल तक करना चाहते हैं, 2 करोड़ रुपए जो है इन्हें इकट्ठा करने हैं। SBI का ब्लू चिप फंड है इनके पास, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप है, ICICI प्रू का वैल्यू डिस्कवरी फंड है, और जानना चाहते हैं कि क्या इस निवेश के जरिए इनके लक्ष्य पूरे हो पाएंगे। देखिए कविता, इनके पास उन्होंने कहा 2 गोल हैं और एक का टाइम होराइजन 26 साल है, दूसरे का उन्होंने कहा 25 साल है, और दोनों केस में उनको 2 करोड़ का कॉर्पस बनाना है। तो जो पहला गोल है उसमें करीब 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है और दूसरे के लिए इनको 10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो कुल मिला के इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो 30,000 होनी चाहिए। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे गैप है, तो इनको कोशिश करना है। अपॉर्चुनिटी इनके पास, समय लंबा है, तो जितना जल्दी हो सके ये अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं ताकि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय अपने इन्वेस्टमेंट को दे पाए और वहां तक पहुंच पाए। तो ये तो हो गया जहां तक इनके गोल्स का सवाल है। पोर्टफोलियो में मुझे लगता है 2 बदलाव अगर ये करें तो मुझे लगता है इनके पोर्टफोलियो के बैलेंसिंग के लिए प्लस इनकी जो जो इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न है वो भी बेहतर हो सकते हैं। तो एक तो इनके पास SBI ब्लू चिप है, उसकी जगह में अगर ये HDFC लार्ज एंड मिड लें तो वो एक बेहतर ऑप्शन रहेगी। और दूसरा, इनके पास एक वैल्यू डिस्कवरी फंड है, काफी पुराना फंड है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, बट मुझे लगता है इनके पोर्टफोलियो कंपोजिशन को देखते हुए एक मल्टी कैप फंड जैसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप वो उसकी जगह में रखेंगे। तो ये जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं वो डिफरेंट सेगमेंट का जो एक्सपोजर है वहां पे बैलेंस अच्छा होगा। तो आप ये 2 बदलाव कंसिडर कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि गैप है वहां पे 10,000 रुपए का, जल्दी हो सके अपनी SIP को बढ़ाइए अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। ऑलराइट, चलिए हम अब सवालों से थोड़ा सा हटकर कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं। और अक्सर दर्शक हमें ये सवाल पूछते हैं कि बाजार में निवेशित रहने का सबसे सही तरीका क्या है, क्योंकि अब इतने सारे जरिए हो गए हैं बाजार में पैसे लगाने के लिए, तो सबसे सटीक और कम जोखिम वाला तरीका कौन सा है? तो मुकेश आप क्या सलाह देंगे? देखिए मेरी सजेशन यही है कविता की, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इन्वेस्टर का टाइम होराइजन क्या है। नॉर्मली इन्वेस्टर जो होता है वो सोचता है कि इक्विटी स्टॉक मार्केट रिस्की है क्योंकि लोगों ने काफी बार लॉसेस बनाए हैं, लोगों का परसेप्शन है कि इक्विटी में रिटर्न नहीं बनता है, बट मेरे को लगता है ऐसा नहीं है। अगर इन्वेस्टर का टाइम होराइजन लंबा है तो इक्विटी बहुत सेफ हो जाता है, उसकी जो रिस्क प्रोफाइल है वो विद टाइम होराइजन काफी बदलाव होता है। तो अगर इन्वेस्टर का टाइम होराइजन 5 years प्लस है तो इक्विटी बहुत ही सेफ है। इनफैक्ट डेटा के हिसाब से बैक टेस्टिंग किया गया कि अगर निफ्टी में कोई इन्वेस्टर 7 साल से ज्यादा करता है तो उसको मिनिमम रिटर्न अराउंड FD के आसपास जो कि 7% है उतना लगभग मिल जाता है, और अगर 5 साल भी कर रहा है तो लगभग 99% पॉसिबिलिटी है कि आपका कैपिटल प्रोटेक्शन रहेगा। तो इन्वेस्टर्स को कोई सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, टाइम होराइजन लंबा है, तो इक्विटी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। अब सवाल यह आता है दूसरा कि इक्विटी के अंदर क्या करें, इक्विटी के अंदर शेयर्स करें, म्यूचुअल फंड करें, PMS करें, कौन से इंस्ट्रूमेंट में करें, ट्रेडिंग करें। देखिए जहां तक मेरे को लगता है शेयर्स जो है ऐसा नहीं है कि खराब इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स करना चाहिए अगर 3 कंडीशन पूरी हो रही है। पहली कंडीशन है आपके पास नॉलेज है मार्केट की, दूसरी कंडीशन है आपके पास टाइम है, और तीसरी कंडीशन है आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर ये तीनों क्राइटेरिया आप मीट करते हैं तो आप डेफिनेटली शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, रिटर्न वहां भी निकलना चाहिए।
बट अगर ये तीन कंडीशन नहीं पूरी हो रही है तो मेरा सुझाव होगा कि ये इक्विटी फंड्स को सिलेक्ट करें, क्योंकि जो इक्विटी फंड्स हैं एक हाईली रेगुलेटेड, हाईली ट्रांसपेरेंट, हाईली लिक्विड और हाईली कॉस्ट एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है जहां से रिटर्न निकल सकता है। फंड मैनेजर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं जो आपके बिहाफ में सेक्टर और स्टॉक सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए और आपको इसमें बहुत ज्यादा प्लानिंग, गोल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल है, आपके पास जो सेविंग्स आ रही है उसे आप SIP करते रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। मजे की बात है, लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे SIP के थ्रू रिटर्न बहुत बढ़िया निकल ही जाते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि आप SIP करिए फंड में। एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि पोर्टफोलियो को ज्यादा ना देखें, ज्यादा देखेंगे तो आप उसमें कुछ छेड़खानी करेंगे, कंपाउंडिंग की प्रॉब्लम बढ़ेगी। हो सकता है कुछ स्कीम्स अंडर परफॉर्म कर रही हैं, वो लगभग सारी लॉन्ग टर्म में बढ़िया परफॉर्म करी जाती हैं। इम्पॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्टेड रहें, उसको छेड़े नहीं। तो यही अगर करेंगे तो डेफिनेटली वेल्थ क्रिएशन और रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी हो जाएगी। हेमंत जी, आप क्या सलाह देंगे, बाजार में किस तरह से निवेशित रहा जा सकता है हर समय? देखिए कविता, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहता है, दूसरा ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है कि मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी समय 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 पर। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो पहली बात आपने ऑप्शन सही चुनना है, आपका टाइम होराइजन सही होना चाहिए, और अगर आपको इन वोलेटिलिटी के इम्पैक्ट से दूर रखना है और आपका फोकस अपने गोल्स पे रखना है तो क्लियरिटी चाहिए कि आप कितने समय के लिए, मान लीजिए आपके रिटायरमेंट के लिए 10-15-20 साल का समय है, तो अगर वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, अमूमन हम डर जाते हैं और फिर हमें लगता है कि हमें मार्केट में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। लेकिन आपके पास क्लैरिटी है, आपने सही ऑप्शन चुनी है, सही एसेट एलोकेशन चुना है, तो आप अपनी जो एलोकेशन है उसको संभालते हुए, अपने टाइम हॉरिजन को ध्यान में रखते हुए इक्विटी मार्केट में बने रहेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की जरूरत है, जितना लंबा समय देंगे उतना ही आपको इक्विटी का जो पोटेंशियल है उसको फायदा होगा। तो ऑब्वियसली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जो आपके प्रोसेस में डिसिप्लिन लाता है, टाइम हॉरिजन में क्लैरिटी, वो आपको बताता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसमें बने रहें। और इक्विटी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पोर्टफोलियो को, इक्विटी बाय इटसेल्फ एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत बनाइए कि आप थीमेटिक फंड, सेक्टर फंड वहां पे चले गए। वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरी, मुझे लगता है जैसे मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड, फ्लेक्सी कैप, इस तरह की जो कैटेगरी है इनमें आप इन्वेस्ट कीजिए। ऑटोमेटिकली आपकी रीबैलेंसिंग भी होगी, डाइवर्सिफिकेशन लेवल भी सही होगा, और अपने पोर्टफोलियो की मॉनिटर करते रहिए। जितना लंबा समय देंगे उतना ही आपको इक्विटी से फायदा। ये तो यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि आप बाजार में निवेशित कैसे रह सकते हैं, सवाल ये है कि आप बाजार में कब तक निवेशित रहना चाहते हैं, आपके लक्ष्य क्या है, आपकी जोखिम उठाने की क्षमता क्या है, आप कितना निवेश कर सकते हैं, आप किस तरह के निवेश विकल्पों का चुनाव करना चाहते हैं। ये सवाल अगर आपके भी जहन में आते हैं तो ये शो और हमारे एक्सपर्ट आप ही के लिए हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका, मुकेश आपका, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया आज भी हमारे साथ। और मुझे भी इजाजत दे मनु अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ और यूट्यूब पर, क्योंकि आप हमें बहुत देखते हैं और बहुत सवाल भी आ रहे हैं, तो यूट्यूब पर अपने सवाल छोड़ें अपने नाम के साथ। और हाँ, अगर आप हमसे बात भी करना चाहते हैं तो अपना सवाल हमें लगे हाथों व्हाट्सएप भी कर दीजिए, ताकि आपका नंबर हमें मिल जाए और हमारी टीम आपको कॉल करे और आपकी बात करवाए हमारे एक्सपर्ट से। मनु अपना फाइनेंस मिनिस्टर रोजाना हम लेकर आते हैं शाम को 4 से 5 बजे लाइव, और आप रात को 8 बजे भी हमारा ये शो देख सकते हैं। अगर आपने टीवी पर नहीं देखा तो यूट्यूब पर अपना हमारा शो जरूर देखिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।